पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम पंचकुला में मौजूद हैं और यहां पर ईवीएम जो सुरक्षा दायरे में रखी गई है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर जो कहा जाए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की निगरानी में अगर ईवीएम है तो गलत नहीं होगा। थ्री लेयर सुरक्षा है यहाँ पर। थ्री लेयर सुरक्षा के दृष्टिगत ईवीएम मशीनें अंदर रखी गई हैं और ईवीएम मशीनों को सुरक्षा दायरे में इसलिए भी रखा जाता है ताकि जब तक चुनाव मतगणना शुरू ना हो कोई भी अंदर ना घुस पाए। और ये सुरक्षा का चाक चौबंद प्रबंध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये दृश्य हम सीधा पंचकुला से पहुँचा रहे हैं एक कॉलेज के अंदर, जिस प्रकार से ये सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ आवागमन करते रहते हैं और देखिए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ और जो जवान हैं अपनी ड्यूटियाँ जब उनके बदलती हैं वो भी लगातार फेरबदल करते रहते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी यहाँ स्टैंडिंग ड्यूटीज़ लगातार ज़्यादा देखी जा सकती हैं। और इस प्रकार के दृश्य आपको हम पंचकुला से पहुँचा रहे हैं। ईवीएम में जिनका भाग्य कैद है उनका भाग्य क्या कहता है, कौन विजयी रहता है, कौन जनप्रतिनिधि बनता है, ये कल सुबह पता लगेगा जब 7 बजे मतगणना शुरू होगी और वही यहाँ का एक तरह से विजयी कैंडिडेट जो होगा वो विधायक बनेगा। ये सारा सिलसिला पूरी हरियाणा में भी देखा जा सकता है अलग अलग जगह पर। ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त पंचकुला से पहुँचा रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।